Good morning, students. Today I will start a topic that is coordination in animal. And coordination in animal is related to the chapter control and coordination of class 10 biology. So let's start coordination in animal. Before going to the topic coordination in animal, we must recapitulate the term what is coordination. Coordination is the working together. Coordination is the working together of various organ of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response proper response with respect to a particular stimulus. Okay, and that stimulus may be light, that may be touch, that may be high temperature, it may be various stimulus. So now we must concentrate on our topic, that is what is coordination in animal. Ab what is coordination in animal ke upar hum concentrate karenge. To sabse pehle jo animal hai isme in lower मल्टीसेलुलर एनिमल द कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस बाय नर्वस सिस्टम ओनली. ओके, जो लोअर मल्टीसेलुलर एनिमल है उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है ये सिर्फ नर्वस सिस्टम से होता है. लेकिन बट इन हायर एनिमल्स the coordination and control also we can say the coordination takes place by two system ke combination se control and coordination hota hai higher animals mein. That is first hai nervous system और दूसरा क्या है दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम. तो पहला हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया इंडोक्राइन सिस्टम. अब सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है it is composed of a specialized cell. It is composed of a specialized cells called neuron. It is composed of a specialized cell called न्यूरॉन. ठीक है, और ये न्यूरॉन हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कैसे कोऑर्डिनेट करता है, बाय मींस ऑफ नर्व इंपल्स. ठीक है, विच एक्सरसाइज कंट्रोल बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. और जो कंट्रोल करता है वह कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कॉल्ड नर्व इंपल्स. और ये जो तुम्हारा नर्व इंपल्स होता है ये बहुत ही स्पीडी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये लोकलाइज्ड होता है. ठीक है,
the nerves control is speedy and flexible. ये तो इसको मेरिट हो गया. डिमेरिट क्या है? बट इट इज लोकलाइज्ड. बट इट इज लोकलाइज्ड. ठीक है. तो द नर्व कंट्रोल इज स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल बट इट इज लोकलाइज्ड. ये हो गया. अब व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा इट consist of a specialized gland. ये क्या consist करता है? Specialized gland का, जिसको हम बोलते हैं endocrine gland. क्या बोलते हैं? Endocrine gland. और ये जो endocrine gland है, it bring about the control by sending a chemical messenger called hormone, which bring about the control, that means control and coordination, by sending, क्या send करता है? By sending chemical messenger, जिसको कहा जाता है हार्मोन, केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन. ये इंडोक्राइन सिस्टम का काम करने का तरीका. इंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन को सिस्टमेटिक मैनर में काम करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है हार्मोन से, और नर्वस सिस्टम करता है बाय नर्व इंपल्स, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है. ठीक है. अब नर्वस सिस्टम में जो हार्मोन होता है, इट इज कंट्रोल, हार्मोन कंट्रोल इज यूजुअली स्लो एक्टिंग एंड इट्स इफेक्ट्स इज डिफ्यूजिंग. इट्स कंट्रोल इज स्लो एक्टिंग एंड इट इज डिफ्यूजिंग. इसका कंट्रोल जो है, इट्स कंट्रोल इज स्लो एक्टिंग, वो स्लोली काम करता है और ये डिफ्यूजिंग. ठीक है. हो गया. तो बाय सेंडिंग केमिकल करता है, इसका कंट्रोल स्लो एक्टिंग होता है और ये डिफ्यूजिंग होता है. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नर्वस सिस्टम इन एनिमल. तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नर्वस सिस्टम इन एनिमल. नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स. ये जो नर्वस सिस्टम इन एनिमल है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड न्यूरॉन. न्यूरॉन या नर्व सेल जो है, ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. और ये जो तुम्हारा न्यूरॉन है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम में ये जो नर्व सेल डिफरेंट स्टिमुलस को जो ये परसीव करता है यानी ग्रहण करता है, उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाता है, ले जाता है. फिर वहां से अकॉर्डिंग टू द मैसेज और कमांड गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एक नर्व इंपल्स को हमारे रिलेटेड ऑर्गेन तक लाता है ताकि वो उसी के अनुसार फंक्शन करे. ये पूरा फंक्शन जो होता है, ये दो सेल के कारण होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है. एक है रिसेप्टर और एक है
इफेक्टर, ठीक है। तो ये जो हम स्टिमुलस के अनुसार रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करते हैं, ये स्टिमुलस कौन परसीव करता है, कौन परसीव यानी ग्रहण करता है, वो है सेंस ऑर्गन, ठीक है। और ये जो सेंस ऑर्गन है ये क्या क्या है, स्किन, टंग, आई, ईयर, स्किन, टंग, आई, ईयर और क्या होगा, स्किन, टंग, आई, ईयर और यही सब है। अब इस सेंस ऑर्गन में दो तरह का सेल है, एक है रिसेप्टर और दूसरा है इफेक्टर। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर आर सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन अ सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर्स आर सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच आर फाउंड इन अ सेंस ऑर्गन एंड विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस क्या है, लाइट है, लाइट को कौन करता है, आई, टच को कौन करता है, स्किन, टेस्ट को कौन करता है, टंग, साउंड को कौन करता है, ईयर, है ना। और सेंस ऑर्गन का ये जो स्किन है, टंग है, आई है और ईयर है, इसमें जो ये स्टिमुलस क्या है, ये सब स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस को जो ये स्किन, टंग, आई या ईयर परसीव कर रहा है वो किसके थ्रू ग्रहण कर रहा है, दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। और रिसेप्टर से ये इसको एक्सेप्ट करने के बाद रिसेप्टर इस मैसेज को किसको दे रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसेप्टर के द्वारा जो स्टिमुलस जा रहा है उस मैसेज को वो डिकोड कर रहा है और डिकोड करने के बाद वो एक कंसर्न उसी से रिलेटेड कमांड या इंस्ट्रक्शन किसको भेज रहा है, इफेक्टर को भेज रहा है। और इफेक्टर जिस तरह का कमांड और इंस्ट्रक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्सेप्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वो ऑर्गन फंक्शन कर रहा है। अब सवाल है कि ये इफेक्टर है क्या, व्हाट आर दिस इफेक्टर्स। तो ये जो तुम्हारा इफेक्टर्स है ये बेसिकली मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी है। ये क्या है, मसल एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन है, न्यूरॉन, ठीक है। और ये न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें ठीक है, न्यूरॉन का तीन पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ये, सेल बॉडी और
साइटम। ये जो तुम्हारा सेल बॉडी और साइटम है, ये तुम्हारा ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, राउंडेड होता है, पायरीफॉर्म या स्किलेट स्ट्रक्चर का होता है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं हम न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद न्यूरोफिब्रिल्स पाया जाता है, न्यूरो टिब्यूल्स पाया जाता है, निसिल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। उसमें ये जो तुम्हारा निसिल ग्रैन्यूल्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द इंपल्सेस विच आर कैरीड बाय द डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। डेंड्राइट या डेंड्रॉन के द्वारा जो लव इंपल्स लिया जाता है और साइटोन को भेजा जाता है, उसको साइटोन का जो पार्ट एक्सेप्ट करता है उसका नाम है निसिल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। निसेंट्रियोल इसमें तुम्हारा एब्सेंट होता है। जो सेल बॉडी है ये बेसिकली दो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक है मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस और दूसरा है ग्रोथ। ये तो किसका फंक्शन है? सेल बॉडी का। अब ये सेल बॉडी का जो शॉर्ट टैपरिंग वेरियसली ब्रांच शॉर्टर एक्सटेंशन है उसको कहा जाता है डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। ये जो डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन है इसमें तुम्हारा निसिल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, ये डिफरेंट पार्ट से नर्व इंपल्स को कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बेसिकली कैरी करता है और उसको ट्रांसफर करता है इनटू द सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है। अब एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? ये तुम्हारा सिंगल ये पार्ट जो है ये है एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये तुम्हारा सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। किसका? सेल बॉडी का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो कि स्ट्रेच करता है, ठीक है, ये, और इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है। ये लोअर पार्ट में नोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है साइनेप्टिक नोम। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक नोम। और इसके एंड को कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल और आर्बोराइजेशन। क्या कहा जाता है? एक्सॉन टर्मिनल या आर्बोराइजेशन। किसके कहा जाता है? एक्सॉन के टर्मिनल एंड को। अब जो एक्सॉन है इसमें बेसिकली पहले क्या पाया जाता है? स्वान सेल। और स्वान सेल को जब स्वान सेल एक्सॉन के ऊपर पाया जाता है इट इज कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स। समटाइम स्वान सेल में प्रोड्यूस अ माइलिन शीथ, और ये जो तुम्हारा माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ होता है, ये माइलिन शीथ अगर न्यूरॉन में पाया जाएगा तो हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा तो हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन दो तरह का है, विथ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ इट इज कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन, विथ एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ इट इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ जो होता है इट इज इम्परमिएबल टू नर्व इंपल्स, ये नर्व इंपल्स को अपने ऊपर से पास होने, अपने अंदर से पास होने नहीं देता। तो एज ए रिजल्ट सेल साइटोन से एक्सॉन टर्मिनल में नर्व इंपल्स आएगा कैसे? तो देखो ये जो तुम्हारा माइलिन शीथ है इसके बीच में ये स्पेस है, और स्पेस को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। और इस नोड ऑफ रेनवियर से नर्व इंपल्स लैप कर, जिसको सॉलिटरी इंपल्स कहा जाता है, उस इस तरह से जंप कर करके एक्सॉन टर्मिनल तक चला जाता है।
और एक्सॉन टर्मिनल में जब वो चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे जाएगा? साइनेप्टिक लोब में। इस साइनेप्टिक लोब में बहुत सारा साइनेप्टिक वेसिकल्स पाया जाता है। क्या कहा जाता है? पाया जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स पाया जाता है। और ये जो तुम्हारा साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये कंटेन करता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कंटेन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल है, जैसे कि एसिटाइल कोलीन, डोपामीन, जो नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। यानी बेसिकली न्यूरॉन का तीन स्ट्रक्चर है, एक है साइटॉन, दूसरा है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन। और जो बाकी पार्ट है दे आर रिलेटेड टू दिस थ्री पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज साइटॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरॉन का टाइप। बेसिकली न्यूरॉन तीन तरह का होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है ये थ्री टाइप्स का होता है। क्या क्या? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा क्या है? मोटर न्यूरॉन, और तीसरा क्या है? रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये जो तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है इट ट्रांसफर और ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन का काम है इट ट्रांसफर या ट्रांसमिट इंपल्सेस, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन और कमांड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑफ रिलेटेड ऑर्गेन, जो कंसर्न ऑर्गेन के लिए मैसेज है उसके इफेक्टर तक इंपल्स को पहुंचाता है, वो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब रिले न्यूरॉन क्या है? ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है एंड दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन। ये हो गया रिले न्यूरॉन का काम। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम इंपल्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम रिसेप्टर सेल ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन का काम ये भी ट्रांसफर करते हैं इंपल्स को, लेकिन वो इंपल्स एक रिलेटेड मैसेज या कमांड होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेन तक होता है। और तीसरा है रिले न्यूरॉन, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन। तो ये तीन न्यूरॉन है जो बेसिकली डिफरेंट इंपल्स को कोऑर्डिनेट करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब न्यूरॉन का कुछ स्पेशलिटी जान लो। पहला स्पेशलिटी यह है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है, आफ्टर बर्थ, शॉर्टली आफ्टर बर्थ वो फॉर्म करता है। ठीक है, और न्यू न्यूरॉन हमारे बर्थ के बाद नहीं बनता है। जो न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में वंस डैमेज हो जाता है ये दोबारा रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, वो ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करता है। किसको यूज करता है? ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करता है। और हमारे न्यूरॉन को अगर कुछ मिनट के लिए ऑक्सीजन से डिप्राइव किया जाए,
डिप्राइव्ड मतलब होता है ऑक्सीजन से वंचित किया है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो इमीडिएटली डेड हो जाएगा. न्यूरॉन बिकेम इमीडिएटली डेड इफ इट इज डिप्राइव्ड ऑफ, इफ इट इज डिबेयर ऑफ ऑक्सीजन फॉर फ्यू मिनट्स. इसलिए आफ्टर बर्थ न्यूरॉन नहीं बनता है, एक बार डैमेज हुआ दैट न्यूरॉन इज परमानेंटली डैमेज. एंड दैट इज व्हाई आवर न्यूरॉन और आवर नर्वस सिस्टम इज सो क्रिटिकल फॉर अस. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन. ओके, अब यहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन है इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, साइनैप्स. व्हाट इज साइनैप्स? ठीक है, और ये साइनैप्स क्या है ये जान लो. अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स. तो फिर क्वेश्चन है कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता कैसे. तो देखो, ठीक है, जो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन है इसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन है उसका जो टर्मिनल एंड है जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ है उसको कहा जाता है पोस्ट साइनैप्टिक मेमोरी, और दोनों के बीच जो स्पेस है इसको कहा जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट. क्या कहा जाता है? साइनैप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, अब जैसे ही प्री साइनैप्टिक मेमोरी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, तुम लोग अभी हम बताएं कि पोस्ट एक्सॉन टर्मिनल होता है उसके अंदर में जो सेमिनल वेसिकल्स होता है या साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के प्रभाव में दे फ्यूजेस विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट इज रिलीज्ड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. वो कहां पे इसको रिलीज कर देता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे ही ये न्यूरॉन आता है जो स्पेशल टाइप का केमो रिसेप्टर साइट होता है, क्या होता है? केमो रिसेप्टर साइट होता है. किसमें? केमो रिसेप्टर साइट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में. वो इस केमिकल इंपल्स को एक्सेप्ट करता है, केमिकल्स को एक्सेप्ट करता है, एंड इन दिस वे द नर्व इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नर्व इंपल्स पास किया अक्रॉस अ माइन्यूट गैप, और इस माइन्यूट गैप को कहा गया साइनेप्स. ठीक है, ये कैसे बनता है? बाय द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन. फिर से एक बार देख लो, जो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन है उसको कहा जाता है एक्चुअली साइनेप्टिक नोव, और साइनेप्टिक नोव के
मेम्ब्रेन को कहा गया है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन है उसके टर्मिनल एंड में जो मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको कहा गया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है साइनेप्टिक नोड के अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, और जैसे ही फ्यूज करते हैं इट रिलीजेस देयर केमिकल दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, इट मे बी डोपामिन, इट मे बी एसिटाइल कोलीन। वो कहां रिलीज कर रहा है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे ही आता है देन इज रिस्पेक्टिव आयंस एंड केमिकल्स आर रिसेप्टेड बाय केमोरिसेप्टर साइट विच आर स्पेसिफिक टू डिफरेंट केमिकल, और वो कहां पाया जाता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और इस तरह से नर्व इंपल्स का पैसेज होता है या ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।